हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा ओप्पो के एक न्यू थीम के बारे में जिसका नाम है गम्बल। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आप लोग को इसके फीचर के बारे में बताऊंगा कि आप लोग क्या पे क्या क्या चीज मिल जाते और इसे कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज़ रेड के बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उस बेल का आइकन दबाना भूले जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो मेरी वीडियो की। एंड यार, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले। तो सबसे पहले मैं आप लोग के यहाँ पे फीचर के बारे में बता देता हूँ कि आप लोग के यहाँ पे क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं गम्बल थीम अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क आइकॉन की बात करें तो नेटवर्क आइकॉन कुछ इस टाइप के यहाँ पे आप लोग को दिखने वाला है, और बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन आइकॉन की तो एप्लीकेशन आइकॉन कुछ इस टाइप यहाँ पे आप लोग को दिखने वाले। और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी इसके एज के बारे में, तो आप लोग को साइड में दिख सकता है एज, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा आप लोग यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे स्टेटस बार दिखा दूँ तो स्टेटस बार कुछ इस टाइप के यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और बात करेंगे सेटिंग की तो सेटिंग आप लोग की कुछ इस टाइप की यहाँ पे दिखने वाली है। उसके बाद मैं आप लोग को बता देता हूँ अबाउट फोन के बारे में, तो अबाउट फोन कुछ इस टाइप के यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। और बात करेंगे फ़ोन की तो फ़ोन में भी आप लोग के यहाँ पे पूरा फुल चेंजेस मिल जाता है, और ये भी काफ़ी अच्छी बात है ना। आप लोग के पूरे फ़ोन का जो सेटअप रहता है वो। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि आप लोग किस टाइप से इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर लेना है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आप लोग अपने फ़ोन का जो डाटा ऑन रख लीजिएगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप लोग जो नेटवर्क में रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर दिया हूँ और नीचे आप लोग ग्रीन अक्षर में लिखा था क्लिक वन एड, तो आप लोग को फर्स्ट जो एड जो शो होता है इस पर आप लोग को क्लिक करना पड़ता है। जैसे मेरा एड आ गया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मुझे 20 सेकेंड तक वेट करना है, यानी 20 सेकेंड तक मैं वेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट एड पर और मुझे 20 सेकेंड तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है 20 सेकंड के बाद, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ 800 होंगे बट आप लोगों ने कट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप के यहाँ पे इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे कोड दिया रहता है, जैसे मैं ओप्पो का 837 यूज़ करूँ तो मुझे कोड लगेगा V800। मैं इस पर क्लिक करूँगा और जो है यहाँ पर मैं इसे इसकी थीम की जो फाइल मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। जैसे मैं V00 पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से जो है मैं थीम की फाइल डाउनलोड कर लूँगा। तो इस टाइप से आप लोग थीम की फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग दूसरे मॉडल का फ़ोन यूज़ करें तो उसके हिसाब से कोड जो है डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा, तो वहाँ से जो है आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस टाइप से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसे अप्लाई करके बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को अप्लाई करते नहीं आ रहा, तो अप्लाई कर भी मैं आप लोग यहाँ पे बता देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग को जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर को पे। यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग जो ऑल फाइल वाला फोल्डर पर सेलेक्ट कीजिएगा और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे चला जाइएगा, जहाँ पे आपने जो है थीम की फाइल डाउनलोड किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट इंटरफेस में आ जाती है थीम गम्बल V800। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं डायरेक्टली इसे जो है अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ तो इसमें लिखा आता है द थीम हैज बीन यूज्ड, तो मैंने अपने फ़ोन में इसे ऑटोमेटिक ऑलरेडी जो है अप्लाई करके रख चुका हूँ। तो आप लोग की थीम जो है थीम स्टोर पे भी आ चुकी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी डाउट्स हो कमेंट्स करना बोले, मस्त वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।